वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के साथ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ रहे थे आपके वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में कि भाई क्यों ज़रूरी है वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है आज के समय में। तो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन हम देखेंगे कि भाई जो आपकी अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्सेज की, वो बहुत तेजी से वो घटती जा रही है, कम होता जा रहा है वाटर आपका। ठीक है, हिली एरियाज में देखा गया है कि जो लेस डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ पर कम पॉपुलेशन है, घनी कम पॉपुलेशन है, वहां पर हाई क्वालिटी ऑफ वाटर है उनके रिवर्स में। ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का पानी पाया जाता है। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें, जहाँ पर ज्यादा डेंस घनी आबादी है, पॉपुलेशन है, वहां पर लो क्वालिटी है वाटर की। ठीक है, उनके रिवर्स में बहुत जो है क्वालिटी बहुत डाउन पाई जाएगी वहां पर। तो इसीलिए जो वाटर है यहाँ पर वाइडली यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक वर्क्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है। अब प्लेन्स जो है आपके, वो पानी को पोल्यूट करने में ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट को डाल देते हैं, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को डाल देते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब कुछ जो गंदा मटेरियल होता है उसको इस पानी के अंदर वो डाल देते हैं। तो समर गर्मियों के दौरान जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटेंट्स का है रिवर्स के अंदर, वो हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि जिस समय क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, पानी कम पाया जाता है गर्मी में, तो इस समय ये कंटेंट आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, पानी कम हो जाएगा और ये पॉलिटेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिस क्योंकि ये फ्लो नहीं कर पाते हैं उसमें, कम पानी के साथ ये फ्लो नहीं कर पाएंगे आपके। तो वाटर क्वालिटी जो है, नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स, उन्होंने 507 स्टेशन को मॉनिटर किया। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको जो है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए 507 स्टेशन को मॉनिटर किया गया विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंटर के साथ स्टेट भी मिल गई। तो एनालाइज जो आपका डाटा रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे इन स्टेशन से, उसमें शो करता है कि जो मेजर रिवर्स है इंडिया की, वो ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल पोल्यूशन के द्वारा पोल्यूटेड है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें और बैक्टीरियल जो उसमें डाला जा रहा है। यमुना रिवर जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इंडिया कंट्री, दिल्ली और इटावा के बीच में। ठीक है, अदर जो सेवरली पोल्यूटेड रिवर्स हैं, साबरमती इलाहाबाद में, गोमती लखनऊ में, काली, अद्यार, कोयूम जो अलग अलग स्ट्रेचेस में फैली हुई है, वगई मदुराई में, मूसी हैदराबाद में, और गंगा कानपुर और वाराणसी में, मतलब ये लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है रिवर आपकी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है इन जगह। ग्राउंड वाटर जो है आपका, वो भी पोल्यूटेड हो रहा है, उसके अंदर भी पोल्यूशन जा रहा है। ठीक है, जिसके जो हैवी टॉक्सिक मेटल्स या फ्लोराइड नाइट्रेट्स अलग अलग पार्ट्स में ग्राउंड वाटर के पोल्यूशन की वजह से वो चीजें, उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा पड़ रहा है इन मटीरियल का। अब इसके लिए जो है लेजिस्लेटिव प्रोविजंस और लॉज बनाए गए रिवर पोल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए। गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग स्टेप उठाए। ठीक है, रिवर और वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है कई कई स्टेप उठाए गए, बट इसके अंदर भी है जो कई बाधाएं आई। ठीक है, क्योंकि ये कम अफेक्टिव साबित हुए। ठीक है, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन जो आपका एक्ट आया, वाटर एक्ट ऑफ 1974, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 के अंदर, वो अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, उनका ज्यादा जो है फायदा नहीं हो पाया उनको बनाने का, उसकी वजह से पोल्यूशन कम नहीं हो पाया इतना। और फिर आपका जो है, एज इन 1997 251 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड अलोंग द रिवर्स एंड लेक। ये इतने मतलब इनका कोई फायदा नहीं हुआ बनाने का। 1997 में आपके 251 नई पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज और लगा दी गई रिवर्स और लेक के सहारे। अभी तक तो कंट्रोल करने की बात करी थी, अब और बढ़ाने वाली चीजें आ गई हमारे सामने। वाटर जो सेस एक्ट आया आपका 1977 में, जिसको जो है पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया, वो भी कम अफेक्टिव रहा, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो ज्यादा फायदेमंद नहीं हो रहे हैं, तो अब और ज्यादा हमारे लिए गंभीर विषय हो गया है, और हमें और ज्यादा गंभीरता के साथ इस विषय को सोचना पड़ेगा, और लोगों के अंदर अवेयरनेस जगानी पड़ेगी कि पानी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर जो हम इन पोल्यूटेंट्स को जो पानी के अंदर फैल रहे हैं उनको कम करें,
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से जो फैल रहा है उन चीजों को हमें कम करना चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए आपका वाटर को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल और रीयूज, ठीक है, उसके वेस्ट, उसको वेस्ट करने को रिड्यूस कर दें और उसको रिसाइकल करें और जितना ज्यादा हो सके उसको यूज करें। रिसाइकल एंड रीयूज इज अ सिंपल एंड बेस्ट वे टू कंजर्व फ्रेश वाटर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल। सबसे बेस्ट वे है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिसाइकल किया जाए, उसको रीयूज किया जाए, ताकि फ्रेश वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो जितना हमारे पास है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इंडस्ट्रीज जो है, जो लो क्वालिटी का पानी है, ठीक है, लो क्वालिटी का जो पानी है उसको यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको जरूरी नहीं है कि प्योर ही वाटर चाहिए, तो लो क्वालिटी का जो पानी है उसको वो यूज करें। एंड उसका जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, वेस्ट वाटर को जो है ठंडा करने के लिए या फायर फाइटिंग के लिए जो है उसको यूज किया जाए, और जो गंदा पानी है उसको ठंड चीजों को ठंडा करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी उसके लिए, उनके लिए, उन लोगों के लिए, और फ्रेश वाटर को कंजर्व भी किया जाएगा। वाटर जो आपका कुड बी कलेक्टेड आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कार्स कैन बी ए बेटर ऑप्शन फॉर गार्डनिंग। तो पानी जो आपका नहाने धोने के बाद, गाड़ी वगैरह धोने के बाद, ठीक है, उनको धोने वगैरह के बाद जो पानी बचे उसका जो है हम गार्डनिंग वगैरह के लिए, जो गार्डन वगैरह लगाते हैं उसके लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका बेटर यूज होगा वो, ठीक है, उसके बाद जो है उनको बेटर वे में हम उसको यूज कर सकें। फिर जो है आज के समय जो रीयूजिंग और रिसाइकलिंग है पानी का, वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, वो बहुत ही लिमिटेड लोग आजकल इसका जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर, इस रिसाइकल और रीयूज के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, जो वाटर को आपके रिसाइकल कर करके उसके वेस्ट होने को बचाया जा सकता है, उसके वेस्ट होने को रोका जा सकता है पानी को। तो हमारे लिए एक ये बहुत बेस्ट ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है अगर हम रिसाइकल और रीयूज करते रहे पानी को जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिगर में आप देख के समझ सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे पानी गया, उसको जो है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वापस से रिसाइकल करके, ठीक है, उसको सिटी वन में रीयूज कर सकते हैं, रिचार्ज बेसिन में उसके द्वारा, सिटी के द्वारा। तो मतलब ये रिसाइकल रीयूज वाली प्रोसेस आपकी चलती रहनी चाहिए, इसमें मतलब जो है आपको पानी को वेस्ट करके, वेस्ट ना करके उसको यूज करते रहें, बार बार कंटिन्यू लगे रहें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।